नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। संसद अधिवेशन फागुन 23 गते बजेबाक सरकारक निर्णय, राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश। सरकार विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आना, प्रचंड माधव समूह के उप प्रधानमंत्री पोखरेलक चुनौती। पूर्व उद्योग मंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक नेता नविंद्र राज जोशी के मस्तिष्क घात, इलाज जारी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 112 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। आज शुक्र दिन व्यापारी सबसे भारत बंद, कर आ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि विरोध। आप समाचार विस्तार से। सरकार फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बजाव के सिफारिश कलक। शुक्र दिन बालुवाटार में बैसल मंत्रिपरिषद बैठक राष्ट्रपति के फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बजाव सिफारिश कलक। बीतल मंगल दिन संसद पुनर्स्थापना कर निर्णय कैल गल, संगे सर्वोच्च अदालत 13 दिन भीतर संसद बैठक राख सरकार के कहने छल। प्रधानमंत्री एवं नेकपा के संसदीय दलक नेता केपी शर्मा ओली प्रमुख सचेतक से देवगुरुम के हटौलने। शुक्र दिन बालुवाटार में प्रदेश एक के सांसद सबक जमघट के अंत में प्रधानमंत्री ओली गुरुम के प्रमुख सचेतक पद से हटौलने। ओली गुरुम के स्थान में अपन समूह के विशाल भट्टराय प्रमुख सचेतक नियुक्त कलने। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बाद सरकार बदलवाक चर्चा चल रहा से ओली दहाल नेपाल समूह के देवगुरुम के प्रमुख सचेतक पद से हटौलने। नेकपा ओली समूह के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली संग नेता वामदेव गौतम भेंट कलने। शुक्र दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार पहुँच गौतम ओली संग छलफल कलने। बालुवाटार पहुँचल गौतम ओली संग करीब एक घंटा बातचीत कलन। नेता गौतम ओली संग पार्टी एकता के मजबूत जका निर्णय लेब आग्रह कलन। नेकपा दू समूह में विभाजित भेल समय अपना तटस्थ रहल बतौने गौतम बृहस्पति दिन प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड संग भेंट कने छला। नेकपा विभाजन बाद गौतम अलगे नेकपा राष्ट्रीय एकता अभियान शुरू कने छला। संसद विघटन बाद विभाजित नेकपा के फेर से एक बनाव दबाव देव उद्देश्य से गौतम अभियान शुरू कने बतौलने। उप प्रधान तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्ष के सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल सरकार विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आना चुनौती दिलने। शुक्र दिन नेकपा ओली पक्षक अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करैत उप प्रधानमंत्री पोखरेल सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के चुनौती दिलन। केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार लोकतांत्रिक विधि से आव वाला अविश्वास प्रस्ताव के सामना करत बतौलन। अविश्वास के प्रस्ताव के सामना करत आव वाला परिणाम से हो स्वीकार है तो बतौलन। केपी ओली संसद को सर्वोच्चतालाई मान्छन्, केपी ओली संसद को सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वास को प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वास को प्रस्ताव को सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओली को नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्, तिमी सबैले बुझ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल केपी शर्मा ओली पद से राजीनामा नै देबाक स्पष्ट कलन। संसद में अविश्वास के प्रस्ताव सामना कऽ लोकतंत्र प्रति के प्रतिबद्धता ओली फेर से एक बेर प्रमाणित करता हुनक दाबी अछि। त्यो कार्यान्वयन गर्छौं भनेको अर्थ के हो भने संसद बोलाउने कुराको हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं, संसद को सामना गर्छौं। कसको हिम्मत छ अविश्वास को प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौं। त्यो अविश्वास को प्रस्ताव को सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौं, यो सबैले बुझे हुन्छ। केपी ओलीले बीचमै छोड्छन् कि यस खालको कुराहरू तपाईलाई लागेको हुन सक्छ। म केपी ओली को सरकार को टीम को एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले, सदस्य भएको नाताले म तपाईहरुलाई पूर्ण जवाफदेहीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संस्थागत ढंगले लोकतान्त्रिक ढंगले गरिएका अभ्यासहरुमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले संसदको सामना गर्नुहुन्छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल सबसे पैघ फैसला देवला न्यायाधीश जनता भेला से अपना सब जनता से करवला फैसला के प्रतीक्षा में रहल बतौलन। तहिना कार्यक्रम में बजत ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री टोप बहादुर राय माझी अपन पार्टी निर्वाचन अथवा सदन में लड़क लेल तैयार रहल बतौलन। निर्वाचन में भिन्न होस् या सदन में भिन्न होस् हर क्षेत्र में तैयार छ, हर क्षेत्र में तैयार छ, हर मोर्चा में लड्न तैयार छ। हामी थाकेका छैनौँ,
हामी आत्तिएका छैनौँ, हामी मात्तिएका छैनौँ। विवेकपूर्ण तरिकाले के छ भने यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो बुझिराख्नु होला। ती साथीहरूलाई सुन्न खोजे, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छ, ती साथीलाई सुन्न खोजे। सम्भावनाहरू चार पाँचवटा छन्, चार पाँच सम्भावनाहरू छन्। एउटा सम्भावना हामीलाई संस्थापन मन्त्री राईमाझी फेरसँग मध्यावधि निर्वाचनमे जाके सम्भावना समेत रहल दावी कयलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सरकार विचलित नै हात बतौलनि। शुक्रदिन नेपालके राष्ट्रिय गानके संगीतकार वरिष्ठ कला साधक अम्बर गुरुङके 83वां जन्म जयन्ती समारोहमे बजेट मन्त्री गुरुङ वर्तमान राजनीतिक उतार चढावके कारण सरकार विचलित नै हात बतौलनि। राष्ट्र आ राष्ट्रियताके लेल सरकार अविचलित रूपमे काज करबाक न कहबै छै। केपी शर्मा ओली नेतृत्वके सरकारे देशके सही दिशा आ सही गन्तव्य दिस लऽ जात दावी कयलनि। अविचलित रूपमा नेपाल राष्ट्रको निर्माणको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति सदा सदा नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले नै यो मुलुकलाई सही दिशा र सही गन्तव्यमा पुर्याउने छ भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तलमाथि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, राजनीति हुन्छ। हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अहिले सायद मलाई लाग्छ अदालतको फैसला पुनर्स्थापना नभइदिएको भए मुलुकमा के कस्तो घटना घट्थ्यो भनेर विभिन्न आकलनहरू गरिएको थियो। पुनर्स्थापना नहुँदा पनि घटना घट्छ कि भन्ने जुन थियो, तर त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको छ। यो नै राजनीति संस्कार हो। हामीले सबै कुरोलाई विधि विधान र कानुनलाई सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कारलाई संस्कृतिलाई हुर्काइरहनुपर्छ, त्यहीबाट हामी परिचालित हुनुपर्छ। उहाँले देखाउनु भएको साङ्गीतिक क्षेत्र र साङ्गीतिक क्षेत्र मात्र होइन, हामीले राष्ट्रिय भावना यसरी पनि गर्नुभयो, त्यसप्रति म अत्यन्तै। मन्त्री गुरुङ सङ्गीतकार अम्बर गुरुङकै साङ्गीतिक क्षेत्र राष्ट्रिय भावनाप्रति ओतप्रोत भेल कलाकारितासँग सब केओ राष्ट्रभक्तिके प्रेरणा लऽ आगाँ बढ़लापर हुनका प्रति सच्चा श्रद्धांजलि आ सम्मान हेबाक बतौलनि। नेपालके राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमे पहिचान दियाब सङ्गीतकार गुरुङके योगदान रहल कहैत सङ्गीतकार गुरुङप्रति सम्मान व्यक्त कयने छलाह। पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसके नेता नविन्द्रराज जोशी स्वास्थ्य अवस्थामे सुधार नै देखल गेल, अस्पताल जनौलक अछि। शुक्रके दुपहर पत्रकार सबसँग बातचीत करैत नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय हॉस्पिटलके चिकित्सक डॉक्टर राजीव झा जोशीके स्वास्थ्य अवस्था स्थिर नहि रहलासँ वेंटिलेटरमे उपचार भऽ रहल बतौलनि। जोशीके मस्तिष्क घात भेला बाद शुक्रदिन भोरे थापाथली स्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमे उपचारके लेल पहुँचाओल गेल छल। स्वास्थ्य अवस्था स्थिर देखलो पर सुधार होबाके सम्भावना एखन नहि रहल, चिकित्सक झा बतौलनि। लेफ्ट खुट्टा मैले मेरो लेफ्ट हाफ कमजोर हुन थालेको छ, मलाई चाँडो हस्पिटल लैजाऊ भनेर आफ्नो वाइफलाई र छोरीलाई भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ तुरन्त वीर हस्पिटल ल्याउनु भएको थियो। वीर अस्पतालमा पुगुन्जेलसम्म उहाँ गाडीमा बोलिराख्नु भएको थियो अरे। त्यसपछि उहाँको अवस्था बिस्तारै उहाँको बेहोस हुनु, अनि बेहोस भइसकेपछि त्यहाँनिर केही बेरपछि सिटी स्क्यान गऱ्यो। सिटी स्क्यानमा चाहिँ टाउकोमा नराम्रो ठाउँमा रगत जमेको देख्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट क्रिटिकल, एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो भन्ने कुरा त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले बुझेर त्यही बिरकै एकजना डाक्टर साहबले चाहिँ तुरन्त उहाँलाई नर्भिकमा लैजाउनु बेस्ट हुन्छ भनेर उहाँले कुदाएर, डाक्टर साहबले आफै कुदाएर जाति लिएर आउनुभयो यहाँनिर। मैले खबर पाएँ, राति 3:30 बजे कल गर्नुभयो। तुरन्त हामी पनि म पनि कुदेर आएँ यहाँनिर। हेर्दाखेरि त उहाँको अवस्था, उहाँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो, सासहरू फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँको बान्ताहरू भयो, त्यो बान्ताहरू फोक्सोमा उहाँको छिरिसकेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन। माथके सिटी स्क्यान केलापर दिमागमे खुन आ पानि जमल रहल, डाक्टर झा बतौलनि। माथमे जमल पानि निकालके लेल एक्सटर्नल वेंटिकुलर ड्रेन EVD राखल गेल आ 130 ml जते पानि निकालल गेल, डॉक्टर झा बतौलनि। ओहिके बाद रक्तचाप कम भेलासँ रक्तचाप बढ़ाबके दवाई देल गेल, हुनक कहब अछि। नर्विक अस्पतालमे पहुँचलापर जोशी कोमाके अवस्थामे रहल आ
उल्टी भ फोक्सो में असर भेला सा सांस फेरा में दिक्कत भ रहल हुनक कहब अछि। वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दहाल महेंद्र नारायण निधि राष्ट्रीय पुरस्कार 2076 से सम्मानित भेला अछि। राष्ट्रपति विद्या भंडारी वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दहाल के शीतल निवास में महेंद्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान आयोजना केने कार्यक्रम में सम्मान कलने अछि। तहिना डॉक्टर रामदयाल राकेश सेहो महेंद्र नारायण निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भेल अछि। सम्मानित होवय वाला वरिष्ठ पत्रकार दहाल 2021 साल से पत्रकारिता शुरू केने छलाह। दहाल अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ प्रेस स्वतंत्रता सहित लोकतंत्र बहाली के जन आंदोलन में बेर बेर जेल जा चुकला अछि। दहाल नेपाल पत्रकार महासंघ के सभापति गोरखा पत्र संस्थान के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक समेत रह चुकला अछि। 2056 में ओखलढुंगा से प्रतिनिधि सभा के सांसद में समेत विजयी भेल छलाह। तहिना सम्मानित दोसर व्यक्ति डॉक्टर रामदयाल राकेश नेपाल के लोक सांस्कृतिक विषय में पोस्ट डॉक्टर रिसर्च उपाधि प्राप्त करवला पहिल व्यक्ति रहला अछि। नेपाली लोक संस्कृति मिथिला संस्कृति आ हिंदी साहित्य में डॉक्टर राकेश के दर्जनों कृति प्रकाशित रहल अछि। तहिना सम्मानित होवला गिरिजा कुमारी ज्ञानु प्रसाई समाजवादी नेता चिंतक सी के प्रसाई के धर्मपत्नी रहल अछि। नेपाल में लोकतांत्रिक समाजवाद के भाष्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के दोसर रूप में सी के प्रसाई के लेल जाइत अछि। गृह मंत्रालय शुक्र दिन 52 गोटे सीडीओ सभक सरुआ आ पदस्थापना कलक अछि। गृह जारी केने सूचना अनुसार सहसचिव आ उपसचिव लगाकर 52 गोटे के सरुआ आ पदस्थापना भेल अछि। सूचना में लिखल अनुसार 40 से बेसी जिला के प्रमुख जिला अधिकारी आ किछ जिला के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी सेहो सरुआ भेल अछि। शुक्र दिन गृहमंत्री रामबहादुर थापा मंत्री स्तरीय निर्णय से सिंधुली बागलुंग गोरखा सिंधुपालचोक सुनसरी कास्की इलाम सल्यान कैलाली उदयपुर दैलेख चितवन सरलाही दांग महोत्री सप्तरी ओखलडुंगा लगायत जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सबक सरुआ कलने अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल किसान के मल के कमी होबय नहीं देबाक बतौलने अछि। शुक्र दिन कृषि संबंधी रिपोर्टिंग करयवला पत्रकार सब संग कृषि मंत्रालय में परामर्श करैत मंत्री अरियाल रासायनिक मल के कमी में किसान सब समस्या में पड़ल बतौलने अछि। मल के आवश्यकता के पूर्ति करय मंत्रालय अपन क्षमता बढ़ाकर काज कऽ रहल सेहो बतौलनि। मंत्री अरियाल भारत के खुला सीमान से अवैध रूप में मल अनबाक बात के बंद कर नहीं सकवा कहत अ के सेहो प्रणाली में आनि क नियमन करबाक प्रयत्न भ रहल बतौलनि। त्यही मलसित जोडेर तपाईँहरूले खुला सिमानाको कारणले इन्डियाको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौँ। हाम्रो यति धेरै खुला सिमाना छ, अब त्यसलाई पुरै हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ। तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। खुला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जीव विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौँ। मन्त्री अरियाल अपन कार्यक्षेत्रभित्र नै भेलो पर उही किसानक समस्या समाधान गर प्रयास केने बतौलनि। तहिना सातु प्रदेशमे रासायनिक मल भण्डार स्थापना करबाक तयारी रहल बतौलनि अछि। मन्त्री अरियाल कालीमाटी तरकारी बजारमे गन्दगी व्यवस्थापन स्टॉल आ सवारी साधनके समस्या रहल कहैत ओहिके लेल व्यवस्थापन कयल जा रहल बतौलनि अछि। चूरे दोहन तथा वन अतिक्रमण के विरोध में रौथट के गौर में प्रदर्शन भेल अछि। चूरे तथा जंगल संरक्षण अभियान के नेतृत्व में गौर में अभियानी सब प्रदर्शन कलक अछि। बीपी चौक से निकलल रैली नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत अदालत चौक में कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा में अभियान के केंद्रीय संयोजक सुनील यादव चूरे दोहन वन अतिक्रमण तथा गिट्टी बालुआ उत्खनन जेहन अवैध कार्य रोक अभियान में सर्वसाधारण के साथ देब आग्रह कलनि। ओहि क्रम में अभियानी सब प्रमुख प्रशासन प्रमुख जिला प्रहरी प्रमुख आ जिला समन्वय समिति के संयोजक सब के ध्यानाकर्षण समेत करौलक अछि। ओ सब अवैध कार्य नहीं रोकला पर अवैध उल्लंघन करवला आ चूरे दोहन करवला क्रसर उद्योग के प्रतिकार करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। नेपाल में पछिला 24 घंटा में और 112 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 273,984 पहुँचल अछि। पछिला 24 घंटा में 54 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 270,277 पहुँचल अछि। नेपाल में पछिला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमनिहार के संख्या 4 रहल मंत्रालय पुष्टि कलक अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 2,771 पहुँचल अछि। एखन देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 936 रहल अछि। पछिला 24 घंटा में देशभर 3,944 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि।
प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं थपायल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश दू में कुल संक्रमित के संख्या 17,197 रहल। प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान जा चुकल। प्रदेश दू में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गल। तहिना सप्तरी में 41, सिरहा में 25, तनुषा में 25, बारा में 24, महोत्री में 18, सरलाही में 14, रौथट में 10 जना के जान गल। एखन धरि प्रदेश दू में 16,962 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। हाल प्रदेश दू में सक्रिय संक्रमित के संख्या 26 रहल। एखन धरि 1,45,914 जना के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 21 स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। चीन सरकार काठमांडू के दरबार हाई स्कूल के शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध करौलक। चीनिया नया वर्ष के उपलक्ष्य में चीन सरकार आ चीनिया जनता के तरफ से स्टेशनरी सामग्री, खेलकूद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, ड्रेस सहयोग कयल गेल। शुक्र दिन विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजन कर नेपाल के लिए चीनिया राजदूत होई यांछी शैक्षिक सामग्री हस्तांतरण कलन। वही अवसर में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, चीन सरकार अपने पुनर्निर्माण के विद्यालय में चीनिया नया वर्ष के उपलक्ष्य में खेलकूद, स्वास्थ्य, स्टेशनरी तथा ड्रेस सहयोग के ने बतौलक। महामहिम राजदूत जी स्वयं उपस्थित भएर बच्चाहरूलाई स्पोर्ट्स का सामानहरू, स्वास्थ्य का सामानहरू, शिक्षा का सामग्रीहरू एकमुष्ट रूप में चाहिने, अरे स्कूल का ड्रेसहरू एकमुष्ट रूप में वितरण करने अभियान में जुन माया को एउटा सामग्री वितरण करने सन्दर्भ में सरकार को तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय को मंत्री को हैसियत ने मैं जो आज यहाँ उपस्थित भएर यस्तो एउटा पवित्र काम में सहभागी हुन पाएँ, म विशेष मतलब खुशी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकारको यो सहयोगी र यो मायाको भावनाप्रति हामी मतलब चाहिँ उहाँहरूप्रति विशेष मैले अघि पनि भने महामहिम राजदूतजी मार्फत सिङ्गो चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति म विशेष धन्यवाद। 2072 सालको भूकम्प बाद दरबार हाई स्कूल पूर्ण रूपमा क्षति भएला बाद चीन सरकार अपने विद्यालय भवनको निर्माण गर्न सल चीन सरकारको सहयोगमा विद्यालय फर्निचर लगायतको सब सामग्रीको व्यवस्थापन कयल गेल। स्रोत नहीं खुजल 7,00,000 रुपया सहित बिरगन से 2 भारतीय नागरिक पकड़ायल। पकड़ायल में भारत के पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी थाना 25 रनिहार 40 वर्षक संजय कुमार गुप्ता और 37 वर्षक विनोद कुमार रहल। भारत के रक्सौल से BR-05AD-6869 नंबर के मोटरसाइकिल में बीरगंज दिश जा रहा समय में बीरगंज 16 स्थित रजत जयंती चौक में चेक जाँच करवा क्रम में ओकरा सबके संग से स्रोत नहीं खुजल 7,00,000 नेपाली रुपया बरामद भेल। पर्सा प्रहरी जनौलक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शुक्र दिन व्यापारी सब भारत बंद के घोषणा कलक। सामान एवं सेवा कर, GST, पेट्रोल आ डीजल के बढ़त मूल्य आ ई बिल के विरोध में व्यापारी सब भारत बंद करौलक। अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ आयोजन के ने बंद के 40,000 व्यापारी समर्थन कलक। देशभर के 8 करोड़ व्यापारी सहभागी। सड़क यातायात क्षेत्र के सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर कल्याण संघ आई के समर्थन में भोर 6 से साँझ 8 धरि चक्का जाम के घोषणा कलक। यातायात संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेंद्र आर्य सब राज्य स्तरीय यातायात सेवा सब भारत सरकार से आनल गेल नया ई वे बिल कानून आ पेट्रोल के बढ़त मूल्य के विरोध में यातायात संचालन नहीं कर के ने आह्वान के स्वीकार ने बतौलन। आब खेल समाचार। राजधानी में जारी शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग में शुक्र दिन सातो बाटो यूथ क्लब खुमलटार यूथ क्लब के पराजित कलक। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न दिन के पहिल खेल में 7-2 खुमलटार यूथ क्लब के 3-2 से पराजित कलक। जीत संगे 7-2 संपन्न 7 से 6 में जीत निकालक। शीर्ष स्थान में रहल 7-2 19 अंक रखलक। अंक गुमौने खुमलटार शीर्ष स्थान के टोली संग अंक दूरी घटावे के मौका गुमौलक। पराजित खुमलटार समान 7 से 16 अंक के साथ तालिका के दोसर स्थान में रहल। तहिना दोसर खेल में मध्यपुर टुसाल क्लब के 2-0 से पराजित क जारी लीग में पहल जीत निकालक। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। संसद अधिवेशन फागुन 23 गते बजबाक सरकारक निर्णय, राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश। सरकार विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आना प्रचंड माधव समूह के उप प्रधानमंत्री पोखरेलक चुनौती। पूर्व उद्योग मंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक नेता नवीन राज जोशी के मस्तिष्क घात, इलाज जारी।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 112 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। आज शुक्र दिन व्यापारी सबसे भारत बंद, कर आ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध। बेस्त अपन समाचार एखन लय अतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।